अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निबल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब लोग? मज़े से ईद गुजर गई और अच्छी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबको तीन मेन्यू दिए थे मैंने, फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे का। और आज हम बना रहे हैं आपके लिए चिकन ब्रेड, और ये भी हम विदाउट ओवन बना रहे हैं क्योंकि लेडीज़ को ओवन का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आज हम बच्चों के लिए स्पेशली चिकन ब्रेड बना रहे हैं और वो भी विदाउट ओवन। तो चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। जी तो हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड। तो चिकन ब्रेड बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने लिया है वार्म मिल्क, ये 1/3 कप है। ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर, और ये फुल फैट पाउडर है विदाउट स्वीटनेस। और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ईस्ट। शुगर ली है 1 टीस्पून, और ये मैंने सॉल्ट लिया है, नमक ये 1/2 टीस्पून, और 2 कप मैदा। तो ये गरम मिल्क के अंदर आप ऐड करें शुगर, उसके साथ ईस्ट। ज़्यादा वार्म मिल्क नहीं लेना, बस थोड़ा सा गर्म मिल्क। इसको अच्छी तरह से स्टिर कर दें। अब आपने इसको रखना है 10 मिनट के लिए किसी भी गर्म जगह पर, और उसके बाद फिर हम बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टे देते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये हमारी ईस्ट जो है, ये हमें 10 मिनट के लिए से वेट किया हुआ था। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये वाला मिक्सचर डाल के इसको अच्छे से बाइंड करेंगे और एक सॉफ्ट डो गूंथ लेंगे। ये मैंने लिया 1 टेबल स्पून ऑयल, नॉर्मल कुकिंग ऑयल। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं रूटीन में। और इसको भूनना है अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट, और इसकी एक डो फॉर्म जो है वो हमने रेडी कर लेनी है सॉफ्ट सी। जी तो ये देखिए मैंने सॉफ्ट सी डो जो है वो भून ली है। अब हम इसे रेस्ट देंगे 3 to 4 आवर्स के लिए, या तब तक जब तक ये अपने साइज से डबल नहीं हो जाती। तो इसको रैप कर दें क्लिंग रैप में, और उसके बाद इसे किसी गर्म जगह पर अच्छे से रख दें 3 घंटे के लिए। जी तो हमने डो को गून के रख दिया है राइस होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए, और अभी हम उसके मिक्सचर को बनाने के लिए रेडी हैं। तो मिक्सचर बनाने के लिए हमें किन अज़ा की ज़रूरत है, इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। हमें चाहिए 1 कप अनियन, 1 कप बॉइल्ड चिकन, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली क्रश्ड की हुई है, और 1 टेबल स्पून हमें चाहिए ब्लैक पेपर, और 1/2 कप हमें चाहिए मिल्क। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। मैंने लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल, इसमें मैं डाल रही हूँ ये चॉप किया हुआ अनियन। इसे हमें ट्रांसपेरेंट करना है, बस ब्राउन नहीं करना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे तो ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सोटे हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। इसे ढक के नहीं बनाना, इसी तरह से इसको रखना है और स्टिर करते जाएं, क्योंकि अगर आप इसको कवर कर देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। और हमें इसके मिक्सचर को, इसके वाटर कंटेंट को
बिल्कुल डाइल्यूएट करना है। तो ये देखिए अनियन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली जो मैंने क्रश की थी। नमक, और ये ब्लैक पेपर, ये डाल के इसको थोड़ा सा स्टीर कर लें। अब ये जो हमने मिल्क लिया था इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। इसको डाइल्यूट कर लें, मिक्स कर लें अच्छी तरह से। लम्स ना रहे इसके अंदर। अब मैं ये मिक्सचर इसके अंदर डाल दूँ। साथ ही जो हमने अनियन ये लिए था, ये चिकन, इसे मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, ये चिकन डाल दें इसमें। अच्छे से इसको मिक्स करना है और एक थिक मिक्सचर हमने जो है वो बना लेना है। ये देखिए इस स्टेज पे आप इसका स्पाइसेस जो इसके हैं वो चेक कर सकते हैं। अब हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, लो हीट पे 5 मिनट के लिए इस तरह से पकाते जाएंगे जब तक ये एक थिक मिक्सचर नहीं बन। ये देखिए ये रेडी हो गया। हमें बस इसको इस कंसिस्टेंसी से थिक करना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ये थोड़ा सा और ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये देखिए ये रेडी है, इसको ठंडा कर लें रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद फिर हम अपनी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। जी तो आपने देखा ये डो हमारी काफ़ी फ्लफ़ी हो गई है और ये अपने साइज़ से डबल हो गई है। अब इसे निकालते हैं और इसको थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और इसको इस तरह से इसकी इक्वल शेप की, तो इस तरह से इसकी रोटी बेल लेनी है। अब हम इसको करते हैं इस तरह से, इसके इस तरह से 1-1 इंच कट्स लगा लें। हमें खोलना है, इसलिए थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट कर दिया था। जी तो ये मैंने इसकी सारी पट्टियाँ अच्छे से खोली हैं। ये देखिए तो ये हमारी ब्रेड रेडी है असेंबलिंग के लिए। अब ये जो चिकन बनाया था, चिकन का मिक्सचर, ये ठंडा हो गया। अब मैं इसको पोर करती हूँ। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना चिकन डालना है। वैसे तो ब्रेड में ज़्यादा डले तो ही मज़ा आता है। अब ये बाज़ार की थोड़ी है कि जिसमें चिकन से ब्राई नाम होगा। अब आप घर में भी विदाउट ओवन
मज़े से चिकन ब्रेड बनाइए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा। हम आप तक मज़े मज़े की इसी तरह से विदाउट ओवन रेसिपीज पहुंचाते रहेंगे, तो उसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इस तरह से करके हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। तो ये मैंने डाल दिया है चिकन। अब आप ध्यान से इसकी असेंबलिंग देखिए, किस तरह से हमने इसको बंद करना है। ठीक है, यहाँ से उठाकर इस तरह से, अब ये वन बाय वन हमने पिक करना है और इस तरह से इसको इसके ऊपर फोल्ड करते जाना है। ऐसा उठा के आगे की तरफ पुश करके, तो ये इस तरह से इसकी ओवरऑल फिलिंग करते जाना है ब्रेड की, इस तरह से। जी, तो ये मैंने ब्रेड की कर ली है फिलिंग और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ एग, होल एग है जी। तो मैंने ब्रेड को कर दिया है अच्छी तरह से ग्रीस होल एग के साथ ब्रश की मदद से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ऊपर ड्रिजल कर रही हूँ सेसमी सीड्स, तिल, और ये मैंने ली है थोड़ी सी ओरिगैनो। जी, तो ये हमारी ब्रेड हो गई है रेडी। अब हम इसे रखते हैं अपने देसी ओवन में, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड और वो भी विदाउट ओवन। तो इसको रखते हैं ओवन में 15 मिनट्स के लिए। सेट यू में दिया है अपनी ब्रेड को थोड़ा सा डेकोरेट। इस तरह से ये मैंने लिया है एक बड़ा सा पैन देगचा, क्योंकि मेरा मोल्ड थोड़ा बड़ा था तो मैंने बड़े साइज़ का लिया है। इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो सॉल्ट डाल दिया, नॉर्मल सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं। ये इसके अंदर मैं एक पुरानी सी छलनी रखती हूँ और ये अपने मोल्ड को इसमें रखती हूँ। मैंने ओवन को, अपने ये देसी ओवन को प्री हीट किया था 15 मिनट्स के लिए। तो अभी ये हो गया, अब मैं इसमें ब्रेड रख रही हूँ। इसको पहले हम थोड़ी देर फ्लेम तेज़ करेंगे, लाइक मीडियम से थोड़ा ज़्यादा, सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद हम इसे इसका मीडियम फ्लेम जो है इसका स्लो कर देंगे और इसको हम रखेंगे 15 मिनट के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। ये 15 to 20 मिनट्स हो गए हैं। लेट्स चेक आवर ब्रेड। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इसका कलर देखिए। अब आपको ब्रेड ओवन में बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आप देसी ओवन में बनाइए और लुक एट द कलर, कितना यम्मी, कितना मज़े का कलर आया इस पर। तो इसको मैं करती हूँ ठंडा, फिर हम करते हैं इसको असेंबल। तो मिलते हैं इसकी असेंबलिंग के पास। से चीयर फ्रेंड्स। तो आपने देखा हमारी चिकन ब्रेड जो है वो रेडी हो गई है और वो भी विदाउट ओवन। ये देखिए, ये कितनी सॉफ्ट है। तो आप बनाइए, ट्राई कीजिएगा, और इतना प्यारा कलर आया इसका विदाउट ओवन। तो मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह निगेबान। To a side of the old generation.
all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah.